पूर्व विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, इन जिलों में बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन लिया जाता है। ऐसे में क्षेत्र के धान उत्पादकों को 700 रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस दिया जाए, ऐसी मांग विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने की है। बुधवार 24 अगस्त को विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात कर धान उत्पादकों को 700 रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस दिए जाने की मांग की। इस समय विधायक ने कहा कि धान फसल को उत्पादन खर्चे पर निर्धारित भाव न मिलने से पूर्व विदर्भ के धान उत्पादक किसान बहुत बड़े आर्थिक संकट में है। बिजाई, खाद, दवाइयों की बढ़ती कीमतें, मजदूरी खर्च में बढ़ोतरी, डीजल की दर वृद्धि, इससे धान फसल लगाने का खर्च बढ़ गया है। इसकी तुलना में केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल 1940 रुपए घोषित किया हुआ गारंटी भाव अत्यल्प है। इसके अलावा कभी कीला तो कभी सूखा अकाल, ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना किसानों को करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 200 रुपए पर राज्य सरकार ने 500 रुपए ऐसे 700 रुपए बोनस प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया था। राज्य की आघाड़ी सरकार ने 2021-22 के खरीफ मौसम में बोनस बंद किया, जिससे धान उत्पादक किसान समस्या में मिला होकर शासन के इस निर्णय के कारण किसान वर्ग में भारी असंतोष है। इस पर मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में जायजा लेकर किसान हित का निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन विधायक नरेंद्र भोंडेकर को दिया है।